दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मंदसौर में एक घर में शुक्रवार सुबह गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हादसा शहर के संजीत नाका के पास राजीव कॉलोनी में हुआ। पुष्पा बाई 32 ने सुबह चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया, तभी धमाका हो गया। धमाका होते ही आग का गोला उठा, इससे पुष्पा बुरी तरह झुलस गई। उसका पति राजेश पोरवाल 35 भी घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पुष्पा को मृत घोषित कर दिया। राजेश की हालत नाजुक बनी हुई है। चूल्हा जलाते ही धमाका हो गया। वाईडी नगर थाना पुलिस के अनुसार आज धमाके में पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के वक्त घर में महिला और उसका पति मौजूद था, जबकि माँ और छोटा भाई घर के बाहर थे। राजेश की माँ ने पुलिस को बताया कि वह बाहर दूध लेने गई थी, बड़ा बेटा राजेश सो रहा था। बहू पुष्पा ने चाय बनाने के लिए चूल्हे पर पानी रखा और जैसे ही चूल्हा जलाया धमाका हो गया। राजीव कॉलोनी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और पूरे मकान की छत दो व्यक्तियों के नीचे ऊपर गिर गई है और एक गंभीर है, उनमें एक को थोड़ा चोट आई है, एक ज़्यादा गैर गंभीर है। जैसे ही हमको पता चला, पुलिस को सूचना करी, आसपास के लोग सभी हेल्प करने के लिए आए, उनको बाहर निकाल के एम्बुलेंस के द्वारा और पुलिस के द्वारा उनको हॉस्पिटल भेजा। विनोद जाट। ये राजीव कॉलोनी मंदसौर संजीत रोड रेलवे फाटक ब्रिज के नीचे है और यहाँ पर मोतीपुरा वाले पोरवाल जी का मकान है। यहाँ पर उनकी बहू सुबह सुबह चाय और खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, उसी समय गैस की टंकी में अचानक विस्फोट हुआ और पूरा मकान भी इनका गिर गया है। फिर हम लोग आसपास के आए निवासी और उनको बाहर निकाला और प्रशासन को भी अवगत कराया इस मामले में। घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया है। क्या नाम आपका? राजेश चौहान। अभी सूचना जरिए फोन के मिली थी कि राजीव कॉलोनी में एक गैस टंकी घर में ब्लास्ट हुई है, जिस पर तुरंत सूचना पर पुलिस वाईडी नगर पुलिस यहां पर आई और घायलों को जो दीवार गिरने से और छत गिरने से दब गए थे उनको निकाल के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। दो लोग घायल हैं।